हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सब हैप्पी होंगे। हम भी हैप्पी है। आज हम माँ की रसोई में बनाने जा रहे हैं 10-15 मिनट में करेले की सब्जी। बच्चे खाते नहीं, बड़े भी आजकल नहीं खाते, लेकिन ये खाना ज़रूरी है, बेनिफिट है। बच्चों को भी खिलाइए। और कौन चटनी पीसे, बहुत मेहनत लगती है करेलों में, लेकिन ये मैं आपको डिश बताने जा रही हूँ, 10-15 मिनट में बन जाएगी करेले की सब्जी। चलिए माँ की रसोई में। हमने जैसे ही आपको बताया था 10-15 मिनट में करेले रेडी हो जाएंगे। हमने छोटे छोटे पीसेस करके पानी में डाल दिए और नमक भी थोड़ा सा डाल दिया, जिससे इसका तरवापन निकल जाए। और हमने प्याज भी लंबे लंबे काटे हैं, देखिए जैसे एक एक अलग हो जाए। और टमाटर भी लंबे लंबे हमने काटे हैं। अब हम पैन में हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, प्याज डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम करेले। साथ में हमने ग्रीन चिल्ली भी डाली है, तीखा, और टमाटर डालेंगे। और 2 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ऐसे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाला, थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले हमने नमक देके रखा था करेले को, और लाल मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर थोड़ा, धनिया पाउडर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कम आंच पे रख देंगे ढक्कन लगा के। करेले रेडी हो चुके, करीब 15 मिनट लगे थे हमें। आप भी बनाकर खा के देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लगा।